ये डायग्राम है फीटल सर्कुलेशन का। तो यहाँ फीटल सर्कुलेशन कैसे होता है, सबसे पहले प्लासेंटा, प्लासेंटा में अम्लाइकल कॉर्ड, मतलब प्लासेंटा के बाद क्या आता है, अम्लाइकल कॉर्ड। अम्लाइकल कॉर्ड में दो आर्टरी और एक वेन होती है। आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और वेन में ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो प्लासेंटा से अम्लाइकल कॉर्ड से होता हुआ ब्लड हमारा जो है यहाँ तक आता है। उसके बाद क्या होता है, ये हमारी अम्लाइकल कॉर्ड जो है यहाँ पर आकर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक जो कि लीवर में जाती है और दूसरी वाली जो होती है वो हमारी इन्फीरियर वेना कावा से ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर जो लीवर में जो वेन जा रही है उसमें 100% प्योर ब्लड होता है, तो हमारे लीवर को 100% प्योर ब्लड मिलता है। उसके बाद यहाँ से जो एक अम्लाइकल कॉर्ड जो है वो हमारी इन्फीरियर वेना कावा में जो मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो वेन जो है, यहाँ पर वेन से वेन का कनेक्शन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डक्टस विनोसिस। एक तो अम्लाइकल वेन और दूसरी इन्फीरियर वेना कावा वेन, तो इन दोनों को मिलने को यहाँ पर क्या बोला गया है, डक्टस विनोसिस। तो जो हमारी इन्फीरियर वेना कावा वेन जो होती है वो हमारा हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर जाती है, और यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो यहाँ पर आकर ब्लड मिक्स हो जाएगा और हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं बाकी उन सबको मिक्स ब्लड ही मिलने वाला है। तो फिर यहाँ से जब ब्लड जाता है इन्फीरियर वेना कावा से, इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड कहाँ आता है, राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम में जो फोरामेन ओबले की ओपनिंग जो होती है, तो राइट एट्रियम से ये ब्लड कहाँ आता है, डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, एओर्टा, और एओर्टा के थ्रू कहाँ जाता है, एओर्टा के थ्रू जाता है, एओर्टा के थ्रू फिर ये यहाँ पर डिसेंडिंग एओर्टा में होते हुए यहाँ जस्ट नीचे की तरफ आता है, और डिसेंडिंग एओर्टा हमारा आके लास्ट में टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट इलियक आर्टरी और राइट इलियक आर्टरी, एंड अगेन ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। और यहाँ पर हमारी जो आर्टरी मिलती है डिसेंडिंग वो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से जो आर्टरी मिलती है, तो वो आर्टरी कौन सी होती है, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। और ये हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी जो है बेबी के बॉर्न होने के बाद उसको क्या बोला जाता है, अम्लाइकल आर्टरी बोला जाता है। तो ये आर्टरी आकर यहाँ पर फिर हमारी अम्लाइकल कॉर्ड से अटैच हो जाती है, अम्लाइकल कॉर्ड से आते हुए ये प्लासेंटा में आकर हमारा ब्लड फिर से कलेक्ट हो जाता है। अगर हम सुपीरियर वेना कावा की बात करें तो यहाँ से सुपीरियर वेना कावा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारा राइट एट्रियम में आता है, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में, आर्टरी से ब्लड जो होता है हमारा वो कुछ ब्लड जाता है हमारा लंग्स में मैच्योर होने के लिए, क्योंकि लंग्स को मैच्योर होने के लिए भी ब्लड की नीड होती है, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है ब्लड। लेकिन यहाँ पर ब्लड जो होता है वो टू मच होता है, इसलिए लंग्स को हमारी ज़्यादा नीड नहीं होती, इसलिए कुछ ब्लड जो होता है हमारा एओर्टा में मिक्स होता है। यहाँ पर जो ओपनिंग दिखाई जा रही है ये कुछ ब्लड जो है वो हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है, और कुछ ब्लड जो है वो यहाँ पर आकर एओर्टा में मिक्स हो रहा है। तो एओर्टा से फिर ये ब्लड जो होता है वो डिसेंडिंग एओर्टा के थ्रू यहाँ पर आकर मिक्स हो जाता है, फिर इस तरह से ये ब्लड फीटल सर्कुलेशन यहाँ आकर लास्ट हो जाता है।